हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो गाइज, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लू लाइट की, जो हमारे मोबाइल से निकलती है, जो हमारे स्क्रीन से बाहर आती है। सो गाइज, मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी हेल्थ के लिए कितनी हानिकारक है और किस तरह से हमारी आंखों पर इफेक्ट करती है और किस तरह से हम इस ब्लू लाइट को रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और गाइज किस तरह से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं इस ब्लू लाइट से। तो गाइज ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ ऐप्स भी आपको सजेस्ट करूंगा जिसको यूज़ करके आप काफ़ी हद तक ब्लू लाइट से अपनी आंखों को बचा सकते हैं। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज हम बात कर रहे थे ब्लू लाइट की, यस। सो गाइज ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन। सो गाइज एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते तो स्मार्टफोन से निकलती है ब्लू लाइट, वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर इफेक्ट करती है। तो गाइज उससे हमें काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमारी आंखों से देखने की क्षमता थोड़ी कम होने लगती है और गाइज दूसरा इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो डिक्रीज होने लगता है इस ब्लू लाइट की वजह से, जिसकी वजह से हम ठीक से सो नहीं पाते, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो भाई लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप स्मार्टफोन यूज़ करना छोड़ दें, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ एप्लीकेशन जिनको यूज़ करके काफ़ी हद तक आप इन ब्लू लाइट से अपनी आंखों को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जो ब्लू लाइट को रोकने में हमारी हेल्प करती है। उन एप्लीकेशन को आप यूज़ करके काफ़ी हद तक अपनी आंखों को बचा सकते हैं ब्लू लाइट से और ब्लू लाइट को वहां पर आप ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दो एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप उनको यूज़ करके भी बताऊँगा, डेमो दिखाऊँगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। नंबर वन एप्लीकेशन है ट्वीलाइट एंड सेकेंड वन इज ब्लू फिल्टर लाइट। सो गाइज ये वाला एप्लीकेशन ट्वीलाइट मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बताऊँगा इस वीडियो में किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं एक इसका डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। सो गाइज सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में आ गए, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है। यहाँ पर टाइप करेंगे ट्वीलाइट, तो गाइज ये वाला एप्लीकेशन है ट्वीलाइट ब्लू लाइट फिल्टर फॉर बेटर स्लीप। गाइज हम यहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। 3.77 MB का एप्लीकेशन है। ओके, तो गाइज ये हमारा एप्लीकेशन यहां से डाउनलोड हो चुका है। तो ये हमारा ऐप यहां से डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो गाइज ये हमारा ट्वीलाइट ऐप ओपन हो चुका है, अब यहां से हमें इसको थोड़ा, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमें कुछ परमिशन देनी है, ब्लू लाइट मेलाटोनिन फॉर हेल्दी स्लीप फिल्टर टाइम ऑल लाइट सोर्सेज, इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी ये ऐप। सो गाइज इस एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी, तो यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। और फिर बैक जाएंगे, आप यहाँ से लोकेशन भी अलाउ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया लोकेशन। तो हम नीचे आएंगे इंस्टॉल सर्विस पे, लास्ट वन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये ट्वीलाइट को यहाँ से ऑन कर लेंगे यहाँ पे। तो गाइज मैंने जैसे ही यहाँ पे ऑन किया ट्वीलाइट को, तो वहाँ पे ऑरेंज कलर का फिल्टर एक्टिवेट हो चुका है, ब्लू लाइट यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो चलिए बैक चलते हैं। तो गाइज मैं आपकी कुछ इसकी सेटिंग बता देता हूँ, आपको किस सेटिंग पे इसको रखना है। गाइज यहाँ पे फिल्टर टाइम में चार ऑप्शन दिए, कस्टमाइज है, अलार्म है और सन है और ऑलवेज है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑलवेज पे रखा है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कलर टेम्परेचर। तो गाइज अगर आप इसको ज़्यादा यहाँ पे करके रखेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी आंखों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। गाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। गाइज इसको यहाँ पे आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 1583K पे यहाँ पे सेट करके रखा है। तो अब नीचे वाले ऑप्शन पर बात करते हैं इंटेंसिटी, इसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। आप जितना इसको आगे की तरफ करेंगे उतना आपका जो ब्लू लाइट है वो कम हो जाएगा, ऑरेंज लाइट फिल्टर ज़्यादा आ जाएगा यहाँ। तो गाइज आप इंटेंसिटी को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, उससे क्या होएगा जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और ऑरेंज लाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं।
तो मैंने इसको 36 पे सेट किया है। सो गाइस थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, स्क्रीन डिम। तो स्क्रीन डिम एक ब्राइटनेस की तरह काम करता है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है, आप इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये डिम होता जाएगा यहाँ से। तो मैंने इसको 50 पे सेट किया है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ से आप नीचे बटन देख सकते हैं रेड कलर का, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं यहाँ पे प्रेस करिए, ऑफ हो जाएगा। दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे ऑन करिए। तो ये आपका सेटिंग जो आपने सेट किया है अभी वो ऑलवेज पे रहेगा, तो अच्छा है, आपको दोबारा इसमें कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, आपकी आँखों के लिए। तो गाइज इस वाली एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।